साउंड नहीं आ रहा, बता रहा। हेलो हेलो हेलो। बोलो, अब रुक जाओगे। अभी आवाज आ रही? साउंड सेट कीजिए। सेट हो गया, साउंड सेट हो गया। नौ हो गया, ठीक है। तो फिर से एक बार गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अनुराग दीक्षित आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठशाला रेलवे एग्जाम में। और कुछ बच्चों ने कहा है ग्रीटिंग विश करिए। होला, होला मतलब होता है ग्रीटिंग ही विश करने के लिए होता है, स्पेनिश वर्ड का शब्द है। ZNMD देखी हो आपने, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो उसमें होला ही बोला जाता है, होला, ठीक है। और बाकी भी बच्चों का नाम ले लेते हैं। तो यहाँ पर अपने साथ संग्राम सिंह, इंदु यार, SJ रेल फैन, एस झा है, दीपेश कुमार है और भावेशु कुमार सिंह है, बाकी बहुत सारे भी लोग हैं। चलिए, कल जो मैंने आपको डाइस का कॉन्सेप्ट बताया था उस पर कुछ सवाल कराए थे और उस पर आगे के सवाल करेंगे। और उसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट बचे हुए थे डाइस के बाद, मैंने आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट बताया था जो मैं आपको कराने वाला हूँ। क्वाइन का कॉन्सेप्ट कराऊंगा प्रोबेबिलिटी पर, जिस पर सवाल आते हैं। उसके बाद कार्ड्स के कॉन्सेप्ट कराऊंगा जिस पर सवाल आते हैं। फिर उसके बाद अल्फाबेट के कॉन्सेप्ट कराऊंगा जिस पर सवाल आते हैं। आज ही कराएंगे, आज क्लास हो सकता है थोड़ी सी लंबी चली जाए। अगर आपको समस्या ना हो तो साथ में एंजॉय करके पढ़ते रहिएगा, मजा आएगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आज के बाद आपको प्रायिकता में अगर समस्या होती थी तो वो नहीं होने वाली, ये बात आप समझ के चलना, ठीक है। और उसके बाद जितने भी अदर्स क्वेश्चन होते थे जिसमें परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और कुछ परसेंटेज वाले सवाल होते हैं जो कि प्रोबेबिलिटी में पूछे जाते हैं, वो सारे के सारे मैं कराने की कोशिश करूंगा आज के में, ठीक है। तो चलिए डाइस के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहले एक, जिन बच्चों ने सेशन को शेयर नहीं किया है अभी तक, फटाक से क्लास को शेयर कर दो, जल्दी से एकदम स्पीड के साथ क्लास को दम लगा के शेयर करो। संख्या मुझे आज 200 के पार चाहिए होगी, सीधी सी बात है। मैं आपको इतने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहा हूँ पढ़ाने के लिए जो कि इतने कठिन लगते हैं, तो मुझे आज संख्या 200 प्लस चाहिए एनी हाउ। कुछ लोगों के लिए ये बड़ी बात नहीं होगी लेकिन हमारे लिए है, सीधी सी बात, ठीक है भाई। चलिए, तो उसके बाद का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 10 क्वेश्चन तक मैंने आपको करा दिया था और इस पर हम लोग चलते हैं, ठीक है। सर आवाज थोड़ा तेज कर दीजिए, आवाज तेज है। तो शायद प्रॉब्लम ना कर रहा हो। सर आवाज गई, अच्छा ऐसा कैसे होगा कि आवाज चली जाए? आवाज तो यार आ रही है, बाकी लोगों को आ रही कि नहीं आ रही बताइए, आ रही कि नहीं आ रही? साउंड प्रॉब्लम कर रहा है, अभी आवाज आ रही है। हेलो हेलो हेलो, माइक टेस्ट, हेलो 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 हेलो, यार आवाज तो आ रही है, देखो मेरे फोन में आ रही है, देखो मेरे फोन में आवाज आ रही है, साउंड गई बोरा में।
अरे नहीं भाई, सब तो सही है भाई। कैसी बात कर रहे हो, बीच में इस तरीके से डिस्टरबेंस ना करो। फोन को अपने भी देख लो यार एक बार, है ना? रिदम टूटता है, अच्छा नहीं लगता है। समझ रहे हो ना बात को? आ गया, चलो ठीक है, आ गई तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए, तो भाई अगर मैं 9 की बात करता हूँ, 9 आने की क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं कि 9 आ जाए? सर 4 और 5 आएगा तो 9 बनेगा, 5 और 4 आएगा तो 9 बनेगा, सर 3 और 6 आएगा तो 9 बनेगा, 6 और 3 आएगा तो भी 9 बनेगा। इसके अलावा 9 को बनने के भी, 9 का योग होने के भी कोई और बात नहीं है। 10 कब कब हो सकता है? सर 10 होने का हो सकता है 4 और 6 हो, या फिर 6 और 4 हो, या सर 5-5 हो। इसके अलावा 10 भी नहीं बन सकता है। बन सकता है? बोले सर नहीं। 11 कैसे बन सकता है? 11 बनने की सिर्फ संभावनाएं होंगी 5-6 की, या फिर 6-5 की, इससे ज्यादा 11 नहीं बन सकता है। और 12 बनने की संभावनाएं क्या क्या होंगी? सिर्फ 6 और 6 से ही 12 बन सकता है, अलावा इसके कुछ भी 12 नहीं बन सकता है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब देखो टोटल कितनी संभावनाएं बनी कि जो योग है वो 7 से ज्यादा हो, तो 1, 2, 3, 3, 3, 6, 6, 4, 10, 10 और 5, 15 संभावनाएं बनी। 36 में से 15 ऐसी संभावनाएं हैं जिसमें आप ये कह सकते हो कि जो चीजें बनेंगी वो कितनी बनेंगी? इससे ज्यादा। तो अगर मैं इसको 3 से काट लेता हूं, तो 3 से काटने पर क्या मिलेगा? 3 × 5 = 15, और 3 से काटने पर इसको मिलेगा 12। तो आंसर क्या बनना चाहिए? 5/12। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 5/12। बोलो ठीक है क्या? ठीक है सर जी। 2 मिनट पीछे कर देखो। पीछे क्या देखना है भाई, क्या देखना है? आ रही है, बीच बीच में रुक गई थी। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक वो लो। हाँ ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, जल्दी से ले लीजिए। आंसर सही होगा 5/12। कुछ बच्चों के आंसर भिन्न भिन्न आए थे, लेकिन मैं उनको पूरा करके इसीलिए दिखा देता हूँ ताकि आप में जो भी कंफ्यूजन रहता है प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को लेकर वो ना रहे। ठीक है, 5/12। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए। 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं, क्या संभावना है कि दोनों पर संख्याओं का योग 4 या 6 से डिवाइड हो? अब आपको दो चीजें पहले मैं बता देता हूं। देखो समझो, दो शब्द यहां पर आपको ज्यादातर यूज करते हुए मिलेंगे, एक मिलेगा और एक मिलेगा या। तो जब आपको या मिले तब आप प्लस करना, और जब आपको और मिले तब गुणा करना। ठीक, जैसे यहां पर मिला है 4 या 6 से, तो यहां पर चीज प्लस कैसे होगी ये आपको समझना होगा। बाकी आगे इसके कॉन्सेप्ट को पूरा डिटेल में समझाएंगे। समझो, 2 पासे फेंके गए तो कुल प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी 2 पासे फेंके जाने पर? सर 6 और 6 यानी कि 36। अब क्या है, दोनों पर संख्याओं का योग या तो 4 या 6 से डिवाइड हो। अब देखो 4 से अगर हम देखेंगे, 4 से डिवाइड होने वाली संख्या क्या होगी? जो पासे के हिसाब से चले, 4 हो सकती है, 8 हो सकती है, 12 हो सकती है, 16 किसी हाल में आ नहीं सकता है। 6 से डिवाइड होने वाली क्या होगी? सर 6 होगी और 12 होगी। तो 12 दो बार तो लेना नहीं है, 12 को एक ही बार चेक करो। तो अपने पास या तो 4 आना चाहिए, या 8 आना चाहिए, 12 आना चाहिए, या 6 आना चाहिए। कब? योग करके। तो योग से हमको 4, 6, 8, 12 ये मिलना चाहिए। अब 4 किस किस से बन सकता है जरा आप बताइए। 4 अगर मुझे बनना है 2 पासों से तो क्या क्या हो सकता है? या 1, 3 हो, 3, 1 हो, या फिर 2, 2 हो। 4 इन्हीं से मिल सकता है, इसके अलावा किसी से नहीं मिलेगा। 6 कैसे कैसे मिल सकता है जरा बताइएगा। 1, 5 हो सकता है, 5, 1 हो सकता है, 2, 4 हो सकता है, 4, 2 हो सकता है, या फिर 3 और 3 हो सकता है, इनसे 6 मिल सकता है। इसके अलावा 6 का जो योग होगा वो किसी से नहीं मिलेगा। बोलो ठीक है। ठीक है चलो, 8 देखिए कब का मिल सकता है। 8 मिलने की 2, 6 हो सकता है, 6, 2 हो सकता है, 3, 5 हो सकता है, 5, 3 हो सकता है, या फिर 4, 4 हो सकता है। 8 भी इनके अलावा किसी से नहीं मिलेगा। और 12 होने की संभावनाएं क्या हो सकती है? 6 और 6 की, इसके अलावा 12 होने की संभावनाएं भी नहीं होंगी। टोटल कितनी संभावनाएं बन रही हूँ? 1, 2, 3, 3, 2, 5, 3, 8, 8, 2, 10, 10, 3, 13 और 1, 14। यानी कि 14/36, और इसको काटोगे 2 से तो 7 ऊपर आ जाएगा, 18 नीचे आ जाएगा। यानी संख्या बनेगी 7/18। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा, 7/18। विकीटेक का सबसे सही आंसर आया और सबसे सटीक आंसर आया, बाकी किसी ने कोई आंसर नहीं दिया है। ठीक है, नहीं प्रोबेबिलिटी की सेकेंड क्लास है, कल फर्स्ट हो चुकी है भाई। ठीक है, कॉन्सेप्ट बताया था डाइस का,
बाकी आगे के आज जो कॉन्सेप्ट होंगे ना, जितने भी प्रकार बनते हैं वो भी आज पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आइए पढ़िए। हाँ, जब दो पासे एक साथ फेंके जाए तो योग के छह आने की संभावना क्या होगी, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। 13वें क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट से दोगे, होमवर्क में भी या अभी के अभी, ठीक है। कमेंट में आप अभी इसका जवाब मुझे दोगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन मैं पीछे अभी करा चुका हूं, कल भी कराए थे डाइस पर। तो आप मुझे आंसर कमेंट करिए कि इसका सही जवाब क्या होने वाला है, और अगर ना आए तो मुझे आगे बता दीजिएगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मेरे ख्याल से बहुत सही दिख रहा है, और ठीक छोटा कर लेते हैं थोड़ा, ताकि आपको पूरा दिखाई दे, अभी ठीक है। चलिए देखिए और बताइए। 7/18 ठीक था, बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि इसको, जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको भी आप अभी के अभी करिएगा और कमेंट करिएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक। नहीं आए तो मुझे बताइए, अभी के अभी मैं बताऊंगा अभी, लेकिन पहले एक बार खुद से प्रयास करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक। मैं देखूं तो कि मेरा जो पढ़ाया हुआ डाइस का कॉन्सेप्ट है ना, वो आप कितना ग्रैब कर पाए हो, कितना आपने उससे सीखने का प्रयास किया, ठीक। जल्दी करिएगा, अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं। हाँ, अब जरा देखिए, आगे जब हम लोग आते हैं तो अपने पास जो क्वेश्चन आते हैं वो डिपेंड होंगे क्वाइन पर। अब क्वाइन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसका ध्यान से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन को करेंगे, समझना। यहां पर आपके एक रुपए का क्वाइन दिख रहा है, एक रुपए का क्वाइन हो या कोई भी क्वाइन हो, क्वाइन के हमेशा कितने फेस होते हैं, एक सिक्के के हमेशा जो फेस होंगे, पहलू होंगे, एक सिक्के के हमेशा कितने पहलू होते हैं, दो। एक पहलू होता है इसका हेड, जिसको हम लोग चित्त कहते हैं, और एक होता है टेल, जिसको हिंदी में पट कहा जाता है, हेड और टेल, ठीक। अब जो इसका कॉन्सेप्ट है ना, उसको समझने का कोशिश करिएगा। जितने भी क्वेश्चन क्वाइन से संबंधित होंगे या जितने भी क्वेश्चन कार्ड से संबंधित होंगे ना, उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है एनसीआर की। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एनसीआर क्या होता है, बाकी चीजें और भी मैं आपको बताता हूं। एनसीआर होता है टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उनकी कुल संभावनाएं एनसीआर कहलाती है। लिखते कैसे हैं, एन फैक्टोरियल ऊपर, जो कि ऊपर लिखा था, आर फैक्टोरियल नीचे, जो कि नीचे लिखा था, और उसके बाद ऊपर में से नीचे को घटाकर फैक्टोरियल लगा देते हैं, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये लिखने का तरीका होता है एनसीआर, ठीक है। जब आप क्रमचय संचय पढ़ते हो तो क्रमचय संचय में ये संचय वाला हिस्सा होता है, कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। अच्छा, अब आप देखिए कि किसी भी क्वाइन के, जब हम क्वाइन के सवाल कर रहे हैं, यानी कि सिक्कों पर आधारित क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो उसमें जो टोटल पॉसिबिलिटी बनती है, टोटल पॉसिबिलिटी बनती है एक क्वाइन के लिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चा, ठीक है। टोटल पॉसिबिलिटी एक क्वाइन के लिए बनती है वो कितनी होती है, ध्यान से सुनना। एक क्वाइन की अगर हम बात करते हैं तो उस पर दो फेस होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, एक हेड होता है और एक क्या होता है, टेल। तो जब एक क्वाइन के फेस की बात की गई तो हमने देखा कि एक क्वाइन में कितनी फलक है, तो आप कहोगे दो, और जितने क्वाइन है उसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं। फेस की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फेस की संख्या को आधार में लिखते हैं, और जितने भी क्वाइंस है ना, उस क्वाइंस को हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो इससे हमारी टोटल संभावनाएं, यानी कि कुल संभावनाएं बनती हैं, किसमें, क्वाइन वाले क्वेश्चन में। और ये बात तब की थी जब एक क्वाइन हो। अब अगर हम आपसे पूछें कि अगर आपके पास एक क्वाइन है तो उसमें जो दो फेस बनेंगे वो कौन कौन से, तो आप बताने में कोई हर्ज नहीं करोगे, सर एक कॉम्बिनेशन हेड का होगा, दूसरा टेल का होगा, ठीक। एक बार शेयर करिए फटाक से। अगर मैं दो क्वाइन पूछ लेता कि यहां पर अगर दो क्वाइन होते तो दो क्वाइन में कितने फेस होते, आप कहते हैं सर एक क्वाइन में दो फेस और दो क्वाइन, यानी कि टोटल संभावनाएं चार बनती। अब दो क्वाइन में जो चार संभावनाएं बनी है ये कौन कौन सी होंगी, अगर आपसे ये पूछा जाए, इसकी आगे जरूरत भी पड़ेगी, तो देखिए कैसे लिखोगे। एक क्वाइन में हेड और टेल आता है, बोले आता है सर, इसी में हेड और टेल को भी आप दो पार्ट में ब्रेक कर दो, हेड और टेल इसमें भी, हेड और टेल इसमें भी। अब देखिए आप कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, इसकी जरूरत आपको प्रश्नों में पड़ेगी, इसको सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक हेड के साथ हेड हो सकता है, ठीक है, हेड के साथ टेल हो गया, तो हेड के साथ टेल हो गया, फिर टेल के साथ हेड हो गया, टेल के साथ हेड हो गया, और टेल के साथ टेल हो गया,
तो इस प्रकार से जब दो सिक्के होंगे तो उसमें कुल संभावनाएं कितनी होती हैं? चार। ये चार संभावनाएं कुल बनती हैं कब? जब दो सिक्के हुए। मान लो तीन सिक्के हो गए, तीन कॉइन हो गए, तो कुल संभावनाएं डायरेक्ट अगर निकालना है तो कितनी बनेंगी सर? 2 की पावर 3 यानी कि 8 बनेंगी। अब आपसे पूछ ले कि 8 संभावनाएं कौन सी होंगी, तो आप क्या करोगे उसको जरा ध्यान से समझना, स्क्रीनशॉट ले लेना, समय देंगे पूरा, पहले समझ लो। एक क्वाइन में हेड और टेल आता है? बोले आता है सर। इसके पार्ट कर दिए हेड और टेल के? बोले कर दिए सर। इसके भी पार्ट कर दिए हेड और टेल के? ठीक है सर। अब तीन क्वाइन है तो इसके भी पार्ट कर लो हेड टेल, इसका भी हेड और टेल, इसका भी हेड टेल और इसका भी हेड टेल। अब बनाइए अपनी संभावनाएं, 8 संभावनाएं बनेंगी आपकी। कौन कौन सी बनेंगी, कैसे बनेंगी जरा चेक करिए। पहली संभावना हेड हेड हेड, दूसरी ध्यान से देखना हेड हेड टेल, तीसरी क्या बनेगी हेड टेल टेल, चौथी क्या बनेगी हेड टेल हेड, फिर इसी तरीके से यहां भी टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड, फिर टेल टेल टेल। इस प्रकार से 8 संभावनाएं आपकी बनेंगी, यानी कि आपको एक पेड़ का गुच्छा बना लेना जैसे आप बनाते हो, ठीक। बहुत ध्यान से समझना, बहुत प्यारी बात है ये चीजें ही आपको सवाल में अच्छा करने की चीजें आपको प्रदान करेंगी। अब किसी को ये लग रहा हो कि ये क्या है क्या नहीं है, सीधे क्वेश्चन क्यों नहीं कराते हो, तो क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको ये सारी चीजें पता होंगी, नहीं तो फिर बीच बीच में ये पूछोगे कि ये कहाँ से आया, वो कैसे आया, ये सारी चीजें पता होंगी ना तो फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है भाई। चलो वेरी गुड, एक बार क्लास को शेयर करो धमाकेदार तरीके से, जल्दी से क्लास को शेयर करो फटाफट, इतना बढ़िया चैप्टर है, आपको समझना चाहिए कि इस चैप्टर की महत्ता क्या है, तो जल्दी से क्लास शेयर करिए। चलिए आइए देखिए इसके सवालों पर आ जाते हैं, किसके सवालों पर? अब जो सवाल होंगे ये क्वाइन पर आधारित होंगे। अब अगर बीच में कोई पूछेगा कि सर ये कैसे आया, तो समझ लेना उसको बहुत ज्यादा जलालत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए मैं जब कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं तो हमेशा कहता हूं थोड़ा ध्यान से पढ़ लो। आइए, दो सिक्कों को एक साथ फेंकने पर कम से कम, देखो यहां पर दो शब्दों का बड़ा यूज होता है, एक शब्द होते क्वाइन वाले क्वेश्चंस में, एक शब्द होता है एटलीस्ट जिसे बोलते हैं कम से कम, और एक शब्द होता है एटमोस्ट जिसे बोलते हैं अधिक से अधिक। ये दो शब्द यूज होते हैं, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम और इसका मतलब होता है अधिक। सुनिए मेरी बात, जब आपके सामने एटलीस्ट का यूज होगा तो आप बढ़ते हुए क्रम में चीजें लिखोगे। कैसे क्रम में लिखोगे? बढ़ते हुए क्रम में। और जब ये शब्द इस्तेमाल हो जाए एटमोस्ट यानी अधिक, तो आप घटते हुए क्रम में चीजें लिखोगे, ठीक है। अब पहले आप इस बात को नोट कर लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए, और उसके बाद फिर ये सवाल देखिए आपको करने के तरीकों से अंदाजा मिलेगा, ठीक है। चलो देखो, कम से कम एक चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी? दोनों तरीकों से बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। दो सिक्के हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल संभावनाएं कितनी बनेंगी दो सिक्कों में? चार। अब क्या कह रहा है, एक साथ फेंकने पर कम से कम एक चित्त आए यानी कि एक हेड आए। तो अगर आपके पास दो सिक्के हैं, देखो इसकी जरूरत पड़ी या नहीं पड़ी? बोले सर पड़ेगी। अब देखिए कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकते हैं। अब अगर कोई ये पूछा ना कि ये कैसे आया, तो समझ लेना कि मार पड़ जाएगी। तो एक बना हेड हेड का कॉम्बिनेशन, एक बना हेड टेल का कॉम्बिनेशन, एक बना टेल और हेड का कॉम्बिनेशन, और एक आया टेल और टेल का कॉम्बिनेशन। ये चार पूरी संभावनाएं बनी। कह रहा था कम से कम एक चित्त आए यानी कि कम से कम एक हेड आए, तो कम से कम आने का मतलब एक से ज्यादा भी आ सकता है। एक तो आना ही है, एक से ज्यादा भी आ सकता है। तो एक हेड इसमें है, एक हेड इसमें है, और एक से ज्यादा हेड इसमें है, यानी कि संभावनाएं क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी क्या बन गई सर? कम से कम एक हेड आने की 3/4। अब इसी सवाल को आप दूसरे कैसे तरीके से करोगे, सुनो। देखो एक शब्द यहां पर लिखा है एटलीस्ट यानी कम से कम, और जब एटलीस्ट आएगा तो हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना होता है। तो आप सुनो, दो सिक्कों में अगर एक हेड आना हो तो चुनोगे कैसे? 2C1 तरीके से, यस और नो। फिर उसके बाद दो सिक्कों में एक से ज्यादा भी तो आ सकता है, कम से कम एक आए
तो ज्यादा से ज्यादा जितने सिक्के हैं उतने आ जाएगा, तो 2C2। और नीचे आइए, टोटल कितनी संभावनाएं बनेंगी? सर एक सिक्के में दो फेस, दो सिक्के थे तो ये संभावना है। 2C2 की वैल्यू होगी 2 और 2C1 की वैल्यू होगी 2 और इसकी वैल्यू होगी 1। तो 2+1=3, ऊपर 4 नीचे, 3/4। आप इससे भी उत्तर दे सकते हो। इसका फायदा क्या होगा, आप अभी आगे क्वेश्चंस में देखोगे तो सही जवाब होगा 3/4। कुछ बच्चे 1/2 पहले आंसर दे रहे थे, जैसे दिव्यांशु, सचान और वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तब आपको यहां पर हर बार ये कॉम्बिनेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका फायदा ये होगा, ठीक। ध्यान से समझना चीजों को। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब की बार 3 सिक्के उछाल दिए गए हैं, कम से कम 2 चित आने की संभावनाएं क्या होगी? कम से कम 3 सिक्के उछाले गए, टोटल संभावनाएं 8, कम से कम 2 चित आने हैं, 3 में से कम से कम 2 आने हैं, तो 3 भी तो आ सकते हैं, 3C3 भी हो सकता है, बोले हो सकता है सर। 3C2 की वैल्यू होती है 6 और इसकी होगी 1, नीचे 8 था तो जवाब हो जाएगा 7/8। किसी ने ये पूछा कैसे आएगा, तो मार पड़ जाएगी, ठीक है। कम से कम 2 चित आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकता है। 3 × 2=6, 6 का आधा होगा 3, 6 का आधा होगा 3, 3 × 1=4, 4/8 का मतलब 1/2, ठीक, जवाब होगा 1/2, बी इज राइट आंसर, ठीक है। अब जिसको आवाज से बहुत ज्यादा समस्या हो रही है वो क्लास छोड़ के जा सकता है, एक आध बच्चे की वजह से उसको क्लास में इको हो रहा है, किसी को क्लास में बहुत ज्यादा आवाजें आ रही हैं, तो भाई तुम मत पढ़ो यार, तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारा ध्यान पढ़ाई के अलावा आवाज पर है या अन्य चीजों पर है, तो आप जा सकते हो, हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा, ठीक है, 1/2। चलो नेक्स्ट आओ। 3 सिक्के उछाले गए, अब देखो शब्द इस्तेमाल हुआ कि अधिक से अधिक 2 चित आने की क्या प्रायिकता होगी। 3 सिक्के उछाले गए, टोटल प्रोबेबिलिटी 2^3 यानी 8 हो गई। अब ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 चित आने चाहिए, 3 सिक्कों में ज्यादा से ज्यादा 2 चित आने चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा 2 आ सकते हैं, तो कम से कम में 1 भी आ सकता है, या हो सकता है 3 में 1 चित ना आए, 0 आ जाए। अब आप हर बार क्वाइन बनाकर उसके पहलू लिखकर करोगे तो समय लगेगा। 3C2 की वैल्यू होती है 3, 3C1 की वैल्यू 3 होगी और 3C0 की वैल्यू 1 होगी, नीचे 8 है तो 3 × 3=6, ऊपर 7 हो जाएगा, नीचे 8 हो जाएगा, उत्तर 7/8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ये फायदा होता है उस चीजों का, इसीलिए कह रहे थे कि उसको सीखना, ठीक है। अब अगर कोई बोला कि समझा दीजिए या बता दीजिए या ऐसा कर दीजिए, तो वाकई में मेरे कटु शब्दों को वो सुनेगा, ठीक है, इसीलिए मैं पहले पढ़ा कर आया हूँ, मैंने अभी बताया है और उस वक्त भी बोला था कि ध्यान से पढ़ो, ठीक, बाकी इच्छा आपकी, ठीक। मैं आपको बहुत ज्यादा वो नहीं कर सकता, अभी ये सवाल देख लो। अब इस सवाल में जितने भी लोग ये सोच रहे थे कि हम सिक्के आएंगे तो उसको लिख के कर सकते हैं, जरा 10 सिक्कों में लिख के दिखाओगे ना, तो पूरा पेपर इसी सवाल में आ जाएगा। मान लो ये सवाल आ गया होता पेपर में, क्या कर ले, ठीक है। 10 सिक्के हैं, 5 बार हेड आने की, बिल्कुल फिक्स कह रहा है, ना कम से कम ना ज्यादा से ज्यादा, कहता है 5 बार आना चाहिए हेड, क्या कर लोगे? अब सुनिए, 10 सिक्के हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी, 1 सिक्के में 2 फेस हैं, 10 सिक्के हैं तो 2^10। अब 5 बार हेड आना चाहिए, 10 सिक्कों में हमें 5 बार हेड चाहिए, इसके अलावा इसमें कोई शर्त ही नहीं है, सीधी सीधी शर्त है, 10 फैक्टोरियल ऊपर, नीचे 5 फैक्टोरियल और फिर 5 फैक्टोरियल, ऐसे ही तो लिखोगे? बोले लिखेंगे सर। और 2^10 का मतलब हो जाएगा 1024। अब देखो 10 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, 10 × 9 × 8 × 7 × 6, 5 फैक्टोरियल आगे आएगा तो उससे 5 कट जाएगा। अब एक बचा 5 फैक्टोरियल, इसको लिखने का तरीका 5 × 3 × 2 × 1 × 4, होगा या नहीं होगा? बोले सर होगा। 3 × 2=6 से ये खत्म हो गया, 4 × 8 हो गया, 5 × 10 हो गया, कितना मिल रहा है ऊपर, 9 × 7=63 × 4, ऊपर मिला 63 × 4 और नीचे कितना था 1024। ध्यान से सुनिएगा, 4 से डिवाइड कर लीजिए, ऊपर 63 आ गया, नीचे 4 से डिवाइड करोगे 256 आएगा, सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, हाँ,
3C2 कैसे लाए सर, ये नहीं बताया आप, 3C2 कैसे लाए, बहुत वही तो बात है कि 3C2 कैसे लाए, यही तो समझना है। कितने सिक्के थे, 3 सिक्के थे, उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने चित्त आने की बात थी, 2 चित्त आने की, यानी अगर 3 सिक्कों में ज्यादा से ज्यादा 2 बार चित्त आना था तो 3C2 लिखोगे, यानी कि 3 में से 2 हेड चुनने हैं। अब अगर ज्यादा से ज्यादा ही संख्या 2 की है तो हो सकता है 3 में से 1 हेड आया हो, या ये भी पॉसिबल है कि 3 में से 1 बार भी हेड ना आया हो, तो 3C0 इस तरीके से आया था, ठीक है। जब इसीलिए बताते हैं तो ध्यान से पढ़ा करो, चलो नोट करो इसको, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, 63/256, राम राम, ठीक है। अब ये तो आपको लिटिल वुड, हाँ अब काफी देर होगा, चलो नेक्स्ट देखो। 6 सिक्कों को एक साथ फेंका जाता है कम से कम 4 हेड आने की, फिर से सुनना, सवाल में आया है शब्द कम से कम, कम से कम 4 हेड, ज्यादा से ज्यादा 5 भी आ सकते हैं या 6 भी आ सकते हैं। 6 से ज्यादा इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि कुल मिला के सिक्कों की संख्या ही 6 है, इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकते। तो आओ देखो, 6 सिक्के थे, टोटल पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, 2 की घात 6। अब कम से कम अगर 4, तो 6 में से 4 कम से कम है, तो हो सकता है 6 में से 5 भी आ जाए, और या फिर 6 में से 6 भी आ जाए, 6C6। तो 6C4 की वैल्यू क्या होगी, बहुत ध्यान से सुनना, 6C4 की वैल्यू होती है 21, 6C5 की वैल्यू 6 ही रहेगी, और 6C6 की वैल्यू होती है 1, और नीचे है 2 की घात 6 यानी कि 64, 21, 6, 27, 27 और 1 28 है ना, नहीं नहीं कुछ 6C4 की वैल्यू होगी 6 × 5 = 30, 30 का आधा 15, अब आएगा आपका 15, 6, 21, 21 और 1 22/64, और 22/64 का मतलब इसको थोड़ा सा और मिनिमाइज करेंगे तो 11/32, ये आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लो। अब हाँ, ये जरूर पूछ सकते हो कि सर 6C4 की वैल्यू आपने 15 इतनी जल्दी कैसे बता दी, ये हम आपको बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आपके पास अगर 6C4 लिखा है, आप ध्यान से सुनो, तो जब भी अंतर आपको दिखे कि 2 का है इन दोनों में, तो आप इसको 6C2 लिख लो सीधे सीधे, जिसमें भी अगर ये लिखा होता 5C3, आपको अंतर अगर 2 लिखा है ना, तो आप इस 5C3 को 5C2 भी लिख सकते हो, ठीक, डायरेक्ट। और जब आपको नीचे 2 दिखाई दे तो क्या करोगे, ऊपर वाली संख्या को लिखिए, इसमें 1 कम करके लिखिए और 2 से भाग दे दीजिए, ठीक। नीचे अगर 2 दिखाई दे, ऊपर वाली संख्या में 1 कम करके लिखो, गुणा करके 2 से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट वैल्यू आती है 2 की, ठीक है। चलो 11/32, 15 कैसे आया, वही तो मैं बता रहा था कि 6C4 को आप 6C2 लिख सकते हो, और नीचे जब 2 दिख गया आपको तो 6, 6 में से 1 कम किया 5/2, तो 6 × 5 = 30, 30/2 का मतलब 15, ठीक है बेटा, क्लियर है, वेरी गुड। चलो अगले सवाल पर आइए, देखिए क्या है। एक जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम 1 टेल प्राप्त करने की संभावनाएं क्या होंगी, कम से कम 1 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं। 2 सिक्के उछाले गए, टोटल संभावनाएं 4, अब 2 में से कम 1 टेल तो आपको लाना ही लाना है। इसके साथ ये भी हो सकता है दोनों सिक्कों में दोनों में टेल आ जाए, यानी कम से कम 1 में तो आना ही चाहिए, दूसरे में भी दोनों में भी आ जाए तो कोई फर्क नहीं। 2C1 की वैल्यू 2 हो गई, 2C2 की वैल्यू 1 हो गई, नीचे 4 था, उत्तर बन गया 3/4, क्या बन गया 3/4, ऑप्शन नंबर ए आंसर, 3/4। अब देखो मनीषा का आ गया, गौतम संदीप का आ गया, बाकी लोग ठीक है, वेरी गुड, नेक्स्ट। चलिए देखिए, 3 निष्पक्ष सिक्के उछाले गए, अधिकांश 2 हेड प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 3 निष्पक्ष सिक्के उछालने का मतलब टोटल संभावनाएं 8 होंगी, 2 की पावर 3। अब अधिकांश का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने का मतलब अगर 3 में से ज्यादा 2 हेड आ रहे हैं तो हो सकता है सर 1 ही आया हो 3 में से, या ये भी हो सकता है सर 3 सिक्कों में से 1 में भी हेड ना आया हो, तीनों टेल 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 हो, बस काम खत्म हो गया।
अब बताइए 3C2 की वैल्यू क्या होगी सर, 3 × 2 = 6, 6 का आधा 3 होगी। 3C1 की वैल्यू 3 होगी, 3C0 की वैल्यू 1 होगी, ठीक। और नीचे क्या था भाई, 8 था। उत्तर क्या बना, 3 × 3 = 6, 7/8। तो आपका जवाब हो गया ऑप्शन नंबर बी, 7/8। चंदन कुमार का आ गया, लिटिल वुड का आ गया, वेरी गुड, बाकी लोग सोते रहो, ठीक है। अब आते हैं कार्ड्स वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। इसके कॉन्सेप्ट को फिर से बोले दे रहे हैं कि जब कॉन्सेप्ट बताएं तो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब कार्ड्स वाले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को मैं बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो जब मैं कार्ड्स की बात करता हूं तो कार्ड्स के एक डेक में, यानी पूरी गड्डी, गड्डी को बोला जाता है डेक, एक गड्डी में 52 कार्ड होते हैं पूरे के पूरे में। और वो जो 52 कार्ड होते हैं इन चार हिस्सों में डिवाइड होते हैं। किसमें किसमें डिवाइड होते हैं, देखिए, ये होता है काला पान, इसको बोलते हैं स्पेड, यानी कि हिंदी में बोला जाता है हुकुम का पत्ता। किसका पत्ता, हुकुम का। इसमें कुल मिलाकर 13 पत्ते होते हैं। उसके बाद हार्ट, यानी कि पान में भी हर उसमें जो है 13 पत्ते होते हैं। उसके बाद डायमंड को बोलते हैं हिंदी में ईंट में भी 13 पत्ते होते हैं। और क्लब का मतलब होता है चिड़ी में भी कुल मिलाकर 13 पत्ते होते हैं, ठीक। तो 13 + 13 + 13 + 13 4 × 52 पत्ते इस प्रकार से एक डेक में बनते हैं। आपको याद रखना है कि इसमें 13 + 13 यानी 26 पत्ते जो होते हैं वो लाल होते हैं, और 13 + 13 यानी कि 26 पत्ते ही काले होते हैं। 26 लाल पत्ते होते हैं और 26 पत्ते कैसे होते हैं, काले पत्ते होते हैं। इस बात को भी याद रखना होगा, छोटी छोटी चीजें हैं, समझते चलो, देखते चलो, ध्यान से पढ़ना बस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो इस चीजों को समझिएगा। यहां पर प्रत्येक 13 के सेट में, बहुत ध्यान से सुनना, प्रत्येक 13 के सेट में, हर एक 13 के सेट में, जो चार सेट होते हैं 13 के सेट में, ये 3 क्या होते हैं, फेस कार्ड होते हैं, जिसमें चेहरे बने होते हैं। इसको बोलते हैं किंग यानी कि राजा, ये होता है जैक यानी कि गुलाम बोलते हैं इसको, गुलाम, और ये होती है क्वीन यानी कि रानी। ये 3 कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें चेहरे बने होते हैं 13 में, इनको फेस कार्ड कहते हैं। तो आप ये समझो कि 13 में अगर 3 फेस कार्ड होंगे तो 52 में कितने फेस कार्ड होंगे, सर 4 गुना हो रहा है, तो 52 में 12 फेस कार्ड होंगे। यही बात लिखी गई है कि 3 × 4 टोटल फेस कार्ड की संख्या 12 होती है, ठीक। हाँ, टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं। अब उसके बाद अगर मैं इनकी बात करता हूं तो इसको जो इक्के होते हैं उसको बोलते हैं एस कार्ड। क्या बोलते हैं, एस कार्ड। प्रत्येक 13 में एक एस कार्ड होता है, प्रत्येक 13 में, चाहे वो क्लब का हो, डायमंड का हो, हार्ड का हो या स्पेड का हो, ठीक। तो अगर 13 में एक एस कार्ड होता है तो 52 में कितने एस कार्ड होंगे, बोले सर 4 एस कार्ड होंगे। यही बात यहां लिखी है कि टोटल 52 में से 4 एस कार्ड होते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं, थोड़ा सुनिएगा। उसके बाद आपको यहां दिखाई दे रहा होगा कि 2 से लेकर, ये जो नंबर कार्ड होते हैं, 2 से लेकर 10 तक ऐसे कार्ड होते हैं जिसमें नंबर लिखे होते हैं, जिसमें दुक्की होता है, तिक्की, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, अट्ठा, नहिला और दहिला। ये ऐसे कार्ड होते हैं जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं, इनको बोलते हैं नंबर कार्ड। तो प्रत्येक 13 में कितने नंबर कार्ड होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। प्रत्येक 13 में 9 नंबर कार्ड होते हैं। क्या होते हैं, 9 नंबर कार्ड होते हैं प्रत्येक 13 में। तो 52 में कितने होंगे सर, 13 × 52 सर 9 × 36 नंबर कार्ड होते हैं टोटल। इन सब की संख्या याद रखना क्योंकि यही सब प्रश्न में आपका इस्तेमाल होगा, ठीक है। ये बात याद रखने वाली चीजें हैं, प्रोबेबिलिटी का, इनको आप याद रखिए, यही सारे चीजें प्रश्न में पूछी जाएंगी, बहुत ध्यान से आगे करेंगे, ठीक। तो कुल मिलाकर फेस कार्ड की संख्या कितनी होती है, 12। कुल मिलाकर एस कार्ड की संख्या कितनी होती है, 4। और कुल मिलाकर नंबर कार्ड की संख्या कितनी होती है, 36। 36 + 12 = 48, 48 × 4 = 52। तो एक डेक में पूरे 52 कार्ड होते हैं और वो 52 कार्ड इन चारों में डिवाइड होते हैं कि 26 काले 26 लाल। बोलो ठीक है ना।
इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आते हैं इसके सवालों पर, सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इसमें भी आपको वही कॉम्बिनेशन वाला तरीका लगाना है, एनसीआर वाला। क्या लगाना है? बेसिकली एनसीआर, ठीक, जो अभी आपको मैंने क्वाइन वाले उसमें बताया था कॉन्सेप्ट में। क्या होता है फिर से बता दे रहे हैं, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और दूसरे में आर फैक्टोरियल, ठीक है। इसी का इस्तेमाल करते हुए सवालों को करना है। चलो आओ देखो, पहला सवाल ध्यान से सुनिएगा और पढ़िए, ठीक। पहले सवाल को, 52 कार्ड के एक अच्छी तरह से फेर बदल हुए पैक से दो क्लब कार्ड को खींचने की संभावना क्या होगी? 52 कार्ड में से दो क्लब कार्ड खींचने हैं। अच्छा, क्लब कार्ड की अगर मैं संख्या पूछता हूं आपसे, तो क्लब कार्ड कितने होते हैं? हमने आपको बताया था प्रत्येक सूट के 13 कार्ड होते हैं, तो क्लब के भी 13 होंगे। आप देख लो यहां पर एक बार फिर से, ये क्लब होता है जिसको चिड़ी बोलते हैं, और इसमें कितने पत्ते होते हैं? 13, ठीक। तो क्लब कार्ड में कितने पत्ते होंगे? 13। अब इस 13 पत्ते से आपको दो पत्ते निकालने हैं, खींचने हैं, तो 13C2 चुनने के कितने तरीके होंगे? 13C2। अच्छा, ये तो वो संभावनाएं हैं जो कि आपको शर्त में दी हैं। अब टोटल कितनी संभावनाएं होंगी? तो आप कहोगे सर हमारे पास टोटल अगर संभावनाएं देखनी है तो सर 52 पत्ते थे अपने पास, अपने पास 52 पत्तों में से भी तो दो पत्ते खींचे जाएंगे ना। 52 में 13 होंगे, 13 में दो खींचेगा तो 52 में दो खींचे जाएंगे, और ऊपर क्या आएगा? 13C2। बस सवाल खत्म हो गया। 13C2 की वैल्यू क्या आएगी? 13 × 12/2, और 52C2 की वैल्यू क्या आएगी? 52 × 1 = 51/2। 2 से 2 काट लीजिए, 13 × 4 = 52, 4 से इसको काट दीजिए 13। 3/51 और 3/51 का मतलब होता है 1/17। तो हमारी इस सवाल की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी सर? 1/17, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मनीषा का आया, और किसी बच्चे का कोई आंसर आया? सुल्तान ने सी आंसर दिया था, 1/26, गलत हो गया। सही जवाब 1/17। बोलो क्लियर है क्या बच्चा? आकाश कुशवाहा 13/51 दे रहे थे, गलती हो गई आपसे, ठीक। सही जवाब मनीषा का अभी तक, और किसी का नहीं, 1/17, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 52 कार्ड के एक पैकेट में से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था यादृच्छिक यानी कि रैंडम का मतलब क्या होता है। क्या होता है यादृच्छिक का मतलब? मतलब कोई भी कार्ड जो निकाला जाएगा हम उसका पहले से प्रिडिक्टमेंट नहीं कर सकते हैं, पूर्व अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि कौन सा कार्ड बाहर निकल कर आएगा, दैट इज रैंडम, दैट इज यादृच्छिक, ठीक है ना। चलिए बढ़िया, कंफ्यूजन किस कारण से है बालमुकुंद? सवाल को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो, फिर से काफी सारे सवाल कराएंगे, अगर फिर भी रहे कंफ्यूजन तो एक बार बोलना, ठीक है, वैसे रहेगी नहीं। 52 कार्डों के पैकेट में से एक कार्ड यादृच्छिक रूप से निकाला जा सकता है, क्या संभावना है कि निकाला गया कार्ड फेस कार्ड हो? बताओ निकाला गया कार्ड क्या हो? फेस कार्ड हो। अब दो चीजें आपको देखना है, सबसे पहले इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि निकाला गया कार्ड फेस कार्ड हो 52 में से। तो ये बताओ टोटल कितनी संभावनाएं बनेंगी? सर 52 में से टोटल संभावनाएं, टोटल पत्ते कितने हुए? 52। 52 में से मुझे सिर्फ एक पत्ता खींचना है रैंडमली, तो ये हो गई टोटल संभावनाएं, राइट, ठीक है। अब उस कार्ड के फेस कार्ड होने की क्या संभावना है? भैया टोटल फेस कार्ड अभी मैंने आपको बताए थे कितने होते हैं सर? 12 फेस कार्ड होते हैं टोटल, 12। यानी कि इन 12 फेस कार्ड में से एक फेस कार्ड बाहर आएगा? बोले यस सर आएगा। तो 12C1 की वैल्यू ऊपर तो 12 ही रहेगा, नीचे 52 रहेगा, 4 से काटिए ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 13 आ जाएगा, तो सवाल का जवाब हो जाएगा 3/13। किस ऑप्शन में? किसी में नहीं है, नन ऑफ दीज, 3/13। कुछ 12/52 कह रहे थे, हाँ 12/52 मतलब 3/13, तो जवाब क्या होगा सर? नन ऑफ दीज। बोलो क्लियर हुआ अभी? 3/13, वेरी गुड। पंकज यादव 4/13 कैसे आ जाएगा? फेस कार्ड कितने होते हैं बताओ? 12 ही फेस कार्ड होते हैं ना, एक ही निकालना था, ऊपर 12 नीचे 52 डिवाइड करेंगे कितना उत्तर आएगा? 3/13 आएगा ना, ठीक है, बोलो हाँ या ना।
थोड़ा बहुत गलती से आपकी चीजें गलत होती हैं वो ना हो। चलो अगला सवाल देखो। 52 कार्ड के पैक से 2 कार्ड निकाले जाने हैं, क्या संभावना है कि एक कार्ड स्पेड हो और एक कार्ड दिल हो? हार्ट को दिल के नाम से भी कहकर सवाल दे देता है, जैसे यहां पर दिया है, देखो हार्ट है, ठीक है ना। अब सुनिएगा, क्या सवाल की प्रोबेबिलिटी बनेगी, और इस सवाल को पहले आप लोग जवाब दो, मैं देखना चाहूंगा कि किसका जवाब आता है, फिर मैं आपको बताता हूं क्या उत्तर आएगा। ठीक, सवाल पढ़ लो एक बार ध्यान से, फिर बताओ क्या आंसर आएगा, और फिर हम चलते हैं कि आपको बताते हैं कि आपका उत्तर क्या होना चाहिए। एक बार शेयर करो पहले बहुत ध्यान से, आज मुझे संख्या 200 के आसपास चाहिए भाई। अब आप शेयर करिए फटाफट क्लास को, जल्दी जल्दी शेयर करिए, फटाफट शेयर करो भाई क्लास को जल्दी से। टाइपिंग मिस्टेक है कोई कह रहा है, पंकज यादव जी कह रहे हैं, इस सवाल में कह रहे हैं कि टाइपिंग मिस्टेक है। क्या टाइपिंग मिस्टेक है इस सवाल में? कोई मिस्टेक नहीं है, सब सही लिखा है, सवाल नहीं है। 8/104 सनमुखा राव का आया है, और किसी का कोई उत्तर आया, आकाश कुशवाहा 3/13 इसमें कहाँ बेटा, 3/13 इसमें 3/13 कहाँ है? चलो सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, अभी मैंने तुम्हें दो शब्दों से वाकिफ कराया था कि सर अगर और आ जाए तो क्या करना होता है, और या फिर यह आ जाए तो क्या करना होता है, बताया था या नहीं बताया था? बोले हाँ सर बताया था, लेकिन हम भूल गए, फिर से बता दीजिए, है ना, यही बात थी ना, बोल दे रहा हूं फिर से लिख लो। अगर और शब्द आएगा, कौन सा और शब्द आएगा, तो आप जो साइन यूज करेंगे बीच में वो साइन यूज होगा गुणे का। इस और आने का मतलब है काम अभी खत्म नहीं हुआ, जैसे मैं आपसे कहूं कि अभी मैं आपको और डांटूंगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मेरी डांट का काम आपके लिए पूरा हो गया? नहीं ना अभी, तो अगर और आया तो काम अभी और बाकी है, और जब और काम बाकी है तो उसका मतलब आप गुणे का साइन लगाओगे, ठीक। अच्छा, अब एक शब्द और आता है या, अगर यह आएगा तो आप साइन इस्तेमाल करोगे प्लस का, जैसे मैं आपसे कहता हूं गोवा जाओ या हिमाचल जाओ, तो दोनों में से एक ही काम होगा, या तो आप गोवा जाओगे या फिर क्या जाओगे, हिमाचल जाओगे, है ना। तो जब यह आएगा तो आप ऐसे कहूं आपसे कि आप या तो हॉट डॉग खाइए या फिर मोमोज खाइए, तो खाना तो दोनों में है लेकिन एक ही ना चीज, जब आप हॉट डॉग खा लोगे तब आप मोमोज खाओगे, मतलब एक काम खत्म होने के बाद दूसरा काम शुरू होता है। ये सब जब एनडीए सीडीएस की मैथ होती है ना, तो उसमें बहुत ज्यादा डीप से आप समझ पाओगे। तो आप ऐसे समझो कि यह आएगा तो आप प्लस साइन यूज करोगे, और आएगा तो आप मल्टीप्लाई का साइन यूज करोगे, ठीक है। अभी आंसर बताओ, ठीक है। चलो देखो, अब आइए सवाल पर बहुत ध्यान से। तो टोटल कितनी संभावनाएं बनेंगी? सर 52 कार्ड में से हमको जो है 2 कार्ड निकालने हैं, तो हमने 2 कार्ड 52 में से निकाल लिए, 52C2, ठीक। अब एक कार्ड क्या हो, स्पेड हो और एक कार्ड दिल हो, तो स्पेड के टोटल कितने कार्ड होते हैं, 13, उसमें से एक निकालना है, निकाल लिया सर। और लगा है तो गुणा लगा दिया सर, हार्ट के भी 13 कार्ड होते हैं, उससे भी एक निकाल लिया, ठीक है। तो 13C1 13, यानी कि ये 13 गुणे ये 13, और 52C2 की वैल्यू क्या आएगी, 52, यानी कि इसको कर लेते हैं 26 × 51 आएगी, बोलिए हाँ या ना। बस सवाल खत्म करिए, 13 × 13 13 × 26 ऊपर 13 नीचे 51 × 2 यानी 102, तो सवाल का उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, सवाल खत्म हो गया, बस इतना करना था आपको। 13/102 किसका आया, मंगेश राठौर का, बाकी लोग तुम मत पढ़ा करो वसीम, ठीक है, तुम्हारे बस की बात है नहीं, एक तुम हो गए और एक लड़का क्या नाम था उसका, नाम था भंडारी करके कुछ, ये जीवन में मैंने अपने जीवन काल में सबसे असंतुष्ट बच्चे देखे हैं। जब चैप्टर वाइज पढ़ाओ तो ये कहते हैं मिक्स पढ़ाइए, जब मिक्स पढ़ाओ तो कहते हैं सर चैप्टर वाइज पढ़ाइए, जब दोनों पढ़ाओ तो कहते हैं सर शॉर्ट टिक वाले वीडियो लगाओ, जब तीनों पढ़ाओ तो फिर ये पढ़ते नहीं है, ठीक है, ये क्या ही बताएं, तुम रहन दो यार। चलो नेक्स्ट देखो, मैं सच बोलता हूं हमेशा, तुम्हारी तुमको मेरी बात बुरी लग रही होगी मैं जानता हूं, लेकिन सच यही है, कभी तुम अपने अंदर से पूछ के खुद से देखो, यही सच है, ठीक है।
ताश की गड्डी से फेस कार्ड निकालने की संभावनाएं कितनी होगी? तो बहुत सिंपल सी बात है कि 13 में से एक फेस कार्ड निकलेगा और टोटल 52 में से एक कार्ड निकलेगा। तो 13/52 का मतलब क्या हो जाएगा, एक कितने फेस कार्ड निकालने, ताश की गड्डी से फेस कार्ड निकालने की संभावना क्या होगी? ठीक है, एक ही फेस कार्ड निकालना होगा ना, फिर तो इसका मतलब 1/4 होना चाहिए यार। 13/52 नहीं, 12/52 ही होगा। ठीक है, टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, 12 में से एक निकलेगा और उधर 52 में से एक निकलेगा, तो 12/52। और 12/52 का मतलब 4 से डिवाइड करने पर 3/13 आ जाएगा। तो 3/13 ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, 3/13, 3/13। ठीक है, बढ़िया, नेक्स्ट आओ। चलो, ताश की गड्डी से इक्का निकालने की प्रायिकता क्या हो सकती है? बहुत ज्यादा सरल सवाल है। इक्का मतलब एस कार्ड, टोटल कितने एस कार्ड होते हैं एक ताश में, एक एक डेक में? सर 4 होते हैं, 4 में से एक निकालना है। ठीक है, और टोटल इसका मतलब 52 में से एक निकालना है। ऊपर 4 नीचे 52, आंसर क्या आ जाएगा? 4/52 का मतलब क्या हो जाएगा? 4/52 का मतलब हो जाएगा 1/13। ये इस बात की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। सवाल खत्म हो गया भाई, 1/13। ठीक है, ये बहुत सिंपल सी बात थी, जल्दी से शेयर करिए, आगे बढ़ रहे हैं फटाफट हम लोग। चलिए नेक्स्ट देखो, बहुत बढ़िया ये देखो सवाल पढ़ो, बहुत ज्यादा अच्छा सवाल है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि थोड़ा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, पढ़ते हैं समझते हैं। 52 ताश के पत्तों की एक गड्डी में से काले रंग के बादशाह और बेगम निकाले जाते हैं, बादशाह और बेगम निकाले जाते हैं। अब समझो, काले कार्ड कितने होते हैं? सर 13 और 13 मिलकर यानी टोटल 26 कार्ड काले होते हैं, टोटल 26 कार्ड काले होते हैं। और एक 13 के सेट में सर एक किंग होता है और 13 के एक सेट में सर एक ही क्वीन होती है, वैसे ही इस 13 में भी एक किंग होगा, एक क्वीन होगी, और इनको बाहर निकाल दिया गया, यानी टोटल आप देखो तो 26 में से 4 पत्ते निकल गए। अब 26 में से 4 पत्ते निकल गए तो काले कितने पत्ते बचे होंगे? बोले सर 22 काले पत्ते बचे। अब सुनिएगा, 26 लाल पत्ते बचे हैं प्लस इसके साथ साथ 22 काले पत्ते बचे हैं, यानी टोटल देखा जाए तो 48 पत्ते बचे, यही तो बात है। टोटल कितने पत्ते बचे? 48 पत्ते। आगे पढ़ें सवाल, शेष बचे हुए पत्तों को अच्छी तरह मिलाकर एक पत्ता निकाला जाता है। ठीक है, इस पत्ते के हुकुम का पत्ता यानी स्पेड कार्ड होने की प्रायिकता क्या होगी? अब सुनिएगा, स्पेड कार्ड मतलब काले वाला कार्ड। अब काले वाले कार्ड की अगर बात की जाए, स्पेड इसमें से एक स्पेड कर लेते हैं, एक क्लब कार्ड होता है, ये दोनों ही काले होते हैं। ठीक, सुनिएगा, टोटल कितने पत्ते बचे हैं? 48, यानी कुल संभावनाएं कितनी होंगी? 48 होंगी। बोले यस सर होंगी। अच्छा, अब अगर स्पेड की बात करते हैं तो स्पेड के टोटल 13 पत्ते थे जिसमें 2 निकल गए, तो बचे कितने होंगे? 11 पत्ते। उस 11 में से एक कार्ड निकाला जाए, निकाल लिया गया, तो 48 में भी एक कार्ड निकलेगा, निकल जाएगा, तो ऊपर 11 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? 48 आपका आंसर हो जाएगा, 11/48। खत्म हो गया सवाल। ये देखो एनटीपीसी में पूछा गया था सवाल, ये सवाल पूछा गया था कब? 2021 में, शिफ्ट 1 स्टेज 1। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि तुम किसको कितना सीरियसली लेते हो, कितना नहीं लेते हो। अभी जानते हो, अगर मैं, हो सकता है कई लोग ये हो कि अगर बाय चांस इसमें ये ना लिखा होता तो कुछ लोग हो सकता है मेरे ऊपर ये लांछन लगा देते हैं, ऐसे सवाल थोड़ी आते हैं रेलवे में, तुम्हें पढ़ाना ही नहीं आता है, तुम कुछ भी पढ़ा देते हो, इतने कठिन सवाल थोड़ी आते हैं रेलवे में, कहने को कह सकता था आदमी, मैं जानता हूं ना ये चीज। ठीक है, एक पूछ रहा है फेस कार्ड का मीन क्या होता है, अभी जब शुरुआत में कॉन्सेप्ट बता रहे थे तब सो रहे थे, कहाँ थे तुम? शुरुआत से देख लेना, मिल जाएगा आपको चीजें। चलो नेक्स्ट आते हैं बॉल्स वाले क्वेश्चन पर। अब सुनिए, अब हम आते हैं बॉल्स वाले क्वेश्चन पर। बॉल्स मतलब गेंद वाले, कि एक बॉक्स में कई सारी गेंद पड़ी होती है, कई सारी कलर्ड बॉल पड़ी होती है, लाल, नीली, हरी, पीली, काली, तो इसमें किस तरीके से चुनाव होता है, इसमें किस तरीके से सिलेक्शन होता है? तो इसमें भी सिलेक्शन का तरीका बिल्कुल सेम होता है, किसकी तरह? जैसे आपने कार्ड वाले क्वेश्चन किए, उसके बाद जैसे आपने क्वाइन वाले क्वेश्चन में आपने तरीका इस्तेमाल कराया,
और वैसे ही आप बॉल्स वाले तरीके में, इन तीनों में सेम कॉन्सेप्ट यूज होता है सिलेक्शन का, वो होता है एनसीआर। क्या होता है एनसीआर? मतलब कि एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल। इसी प्रकार से इस बॉल्स के सवाल भी सारे के सारे इसी कॉन्सेप्ट से होते हैं, ठीक है। सब कुछ आएगा, सारी चीजें कराएंगे, बस थोड़ा सा समय दो। आपकी प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ, बस आपको थोड़ा समय देना होगा और मन से पढ़ना होगा, अगर आप चाहते हो मन से पढ़ना, ठीक। नहीं तो आप देखे हो ना कि ये चैप्टर लोग कराते ही कम है। चलिए इसके पहले क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिए, आराम से पढ़िए, फिर उत्तर बताइए, ठीक है। ध्यान से देखकर फिर उत्तर बताइएगा जल्दी से क्या आएगा। मैं अभी ऐड हुआ हूं, ठीक है, आप शुरुआत से देख लीजिएगा इसको एक बार। एक बैग में 4 सफेद 5 लाल और 6 नीली बॉल है, जानते हो। किसी भी कॉन्सेप्ट में जो प्रोबेबिलिटी का जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो कभी चेंज ही नहीं होता, कभी चेंज नहीं होता। प्रोबेबिलिटी का मेन कॉन्सेप्ट होता ही यही है, ऊपर फेवरेबल आउटकम लिखे जाएंगे, नीचे टोटल आउटकम लिखे जाएंगे, सिर्फ सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझो। 3 गेंदों को बैग से यादृच्छिक यानी कि रेंडमली निकालना है, संभावना क्या है कि उनमें से सभी लाल हो। तो इस बात की संभावनाएं, इस बात की प्रोबेबिलिटी हमको निकालना हो कि सभी की सभी लाल गेंद हो, इसकी संभावना क्या होगी। तो सबसे पहले टोटल संभावनाएं तो लिखो। सर टोटल संभावनाएं कैसे लिखी जाएंगी? तो हम कहेंगे टोटल गेंद देखो 5 4 9 9 और 6 15, टोटल 15 गेंद है, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात। और टोटल 15 गेंद में से आपको 3 गेंद चुननी है, तो मैंने कहा 3 गेंद चुन लेंगे। अब फेवरेबल क्या है, शर्त क्या है, क्वेश्चन के अनुसार शर्त यह है कि 3 गेंदों को बैग से यादृच्छिक रूप से निकालना है और क्या संभावनाएं हो कि सभी गेंद लाल हो, यानी जो तीनों गेंद निकलेंगी उन तीनों गेंदों के लाल होने की संभावना क्या होगी। तो लाल गेंद जो है ना वो नीली से तो निकल नहीं सकती है, नीली नीली होगी, लाल लाल होगी, वो लाल गेंद सफेद से तो निकल नहीं सकती है। तो लाल गेंदों के निकलने की संभावना भी किससे होगी? सर लाल से ही होगी। इसका मतलब 5 में से 3 लाल गेंद ही चुनी जा सकती है, इसके अलावा तो नहीं चुनी जा सकती। बोले यस सर। अब इसको सॉल्व करके आपको उत्तर बताना है। चलिए देखिए, 5 फैक्टोरियल को 5 4 और उसके बाद हम लिख लेते हैं 5 4 तक, और नीचे क्या लिखोगे 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल जो यहां आएगा पूरा नहीं लिख रहे, 3 अब की बार लिखे दे रहे हैं, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो अब नीचे वाला जो बचा है कौन सा, इसका जो अंतर है 2 फैक्टोरियल, वही लिखा जाएगा 2 गुणे 1। इस 15 को देखिए कैसे लिखोगे, 15 गुणे 14 गुणे 13, 12 फैक्टोरियल इधर कट जाएगा, नीचे 3 फैक्टोरियल आएगा, तो 3 गुणे 2 गुणे 1, समझना ध्यान से, 2 दूनी 4 ऊपर आ गया, 5 दूनी 10। इधर आइए, इधर देखिए क्या मिल रहा है आपको, यहां से मिला 3 5 में 15 और 2 7 14। तो देखिए 13 7 91 गुणे 5 यहां है, 91 गुणे 5, तो 5 1 5 5 2 10 ऊपर क्या आ गया, 2 नीचे क्या आ गया, 91। ये बनेगी प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा, 2/91। बस इसको सॉल्व करना था। मेरी बात समझ पाए बच्चों? आप हाँ या ना का जवाब दो फटाक से। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक और शेयर करने में अपनी कंजूसी की महारत हासिल करी है ना, उनसे मेरा कहना है कि भाई कंजूसी छोड़ो दोस्त, अब तो छोड़ो, इतना सॉलिड चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूं। हाँ जी फटाफट से बताइए क्या आया आपका उत्तर, आया क्लियर? ठीक है चलो नेक्स्ट आते हैं। देख अगला सवाल देखो, बताओ। एक बैग में 2 लाल 3 हरी 2 नीली रंग की गेंद होती है, क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2 लाल हैं 3 हरी हैं और 2 नीली हैं, ठीक। 2 गेंदों को निकालना है, तो 2 3 5 और 2 7, टोटल क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, 7 C2, 7 में से 2 गेंदें निकल रही, ये कुल मिला के टोटल प्रोबेबिलिटी, कुल संभावनाएं बनी। अच्छा
क्या संभावना है कि निकाली गई कोई भी गेंद नीली ना हो? बहुत ध्यान से सुनिएगा, निकाली जाने वाली गेंद नीली नहीं होनी चाहिए। तो नीली नहीं होने का मतलब इससे तो गेंद निकलेगी नहीं, ये तो काम खत्म हो गया। तो अब जो गेंद निकलेंगी दो, वो हरे से भी निकल सकती हैं और लाल से भी निकल सकती हैं। नीली नहीं होनी चाहिए, हरी या लाल कुछ भी हो सकती है। तो अगर ये हरी या लाल हो सकती है तो इनकी कुल संख्या क्या बन रही है सर? 3 और 2 5। अब इस 5 में से कोई भी 2 गेंद निकलेंगी, बस वो नीली नहीं होंगी। अब वो हरी भी हो सकती, हो सकता है एक हरी हो एक लाल हो, 5 में से 2 गेंद निकलेंगी, नीले होने की संभावनाएं खत्म हो गई। तो 5C2 की वैल्यू क्या आएगी भाई? 5 चौको 20, 20 का आधा 10, और इसकी वैल्यू 7 6 42, 42 का आधा 21, 10/21 आपका जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये कटना है नहीं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ बहुत ध्यान से पढ़िएगा, चीजें बहुत स्पष्ट होनी चाहिए आपको। ठीक है, 5/7 कैसे हो जाएगा बच्चा? ये 5C1 थोड़ी लिखा है, ये 5C1 थोड़ी लिखा है। सॉल्व करना होता है किसी भी वैल्यू में। सुनो यार, फिर से बता दे रहे हैं, 50 बार बताया है लेकिन सुन लो फिर से। अगर आपके पास कोई वैल्यू लिखी है NC2 की फॉर्म में, ऊपर N की जगह कुछ भी लिखा हो, तो आप क्या करते हो, सुनो मेरी बात, लिखा करो N×N-1, यानी कि 1 घटा के लिखो और 2 से डिवाइड कर दो बस। तो ये 5C2 लिखा था, तो मैंने क्या लिखा, 5×4, 1 घटाया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 5 चौको 20, 20 का आधा 10 ऊपर लिख दिया। अब अगर इसी तरीके इसकी वैल्यू लिखनी है, तो देखो ऊपर क्या लिखा है, 7, तो हमने लिखा 7×6/2, तो 7 6 42, 42 का आधा 21 हो गया। मेरी बात समझ पाए ना भाई सब लोग? बोलो हाँ या ना। इस तरीके से आप फटाक से आंसर बताया करो, तो 10/21 सही जवाब होगा। सी अलग अलग मत ऐड करो, अलग अलग ऐड करने में सवाल लंबा हो जाता है। ठीक है, आप अभी IT JEE या नीट या NDA की तैयारी में नहीं हो, या एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तैयारी नहीं कर रहे हो जिसमें आपको अलग अलग करना आना चाहिए। आप अभी सिंपल ऐसा पढ़ो जिसमें आपको जो जरूरत है उसको आप देखो बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 काली 8 सफेद गेंद है, 1 गेंद यादृच्छिक निकाली गई है, क्या संभावना है निकाली गई गेंद सफेद हो? 6 और 8 14, टोटल संभावना है 14। 14 में से कितनी गेंदें निकाली जानी है? 1 गेंद निकाली जानी है। आते हैं आगे। अब देखो क्या संभावना है निकाली गई गेंद सफेद हो। अगर सफेद गेंद निकाली जाएगी तो निकलेगी तो सफेद से ही ना, तो सफेद कितनी गेंदें थी? 8, यानी 8 में से 1 गेंद निकाली जाएगी। अब देखो C1 C1 लिखा है, तो फिर आप सीधे सीधे लिख दो कि सर ऊपर 8 रहेगा नीचे 14 रहेगा, 2 से काट दो 4 बार 2 से काट लो 7 बार, उत्तर क्या बन गया? 4/7, ऑप्शन बी आंसर हो गया, 4/7। मनीषा का यहाँ पे भी सबसे पहले आंसर, वेरी गुड। तुम लोग क्लास शेयर नहीं कर रहे हो, मैं आज इतना ही पढ़ा के आज प्रोबेबिलिटी खत्म ही कर दूंगा, आगे के कॉन्सेप्ट मैं नहीं पढ़ाऊंगा। तो तुमको इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मुझे क्या ही फर्क पड़ना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चलो देखो अगला सवाल, अब इसी में आज खत्म ही कर देते हैं। 6 सफेद 2 काली 3 लाल है, तो 6 3 9 2 11 हो गई, 11 में से कितनी गेंद निकाली जानी है? 1 गेंद निकाली जानी है, तो कुल संभावनाएं हो गई 11C1। ऊपर क्या है कि इस गेंद के सफेद ना होने की प्रायिकता क्या हो? अभी गेंद अगर सफेद ना हो, तो सफेद ना हो तो मतलब इससे नहीं आएगी, और इससे नहीं आएगी तो इन दोनों में से आ सकती है ना, तो 3 और 2 5 में से तो आ सकती है ना, तो 5C1। तो ऊपर 5 आ गया, नीचे 11 आ गया, आंसर हो गया 5/11। नेक्स्ट, एक बैग में 20 गेंदें रखी है जिन पर 1 2 3 20 संख्याएं अंकित है। अच्छा, बैंक से यादृच्छिक रूप से 1 गेंद निकाली जाती है, बैंक से निकली गई गेंद पर अंकित संख्या के 3 या 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता क्या है? अब समझना, 3 या 5 से डिवाइड होने की प्रायिकता क्या है? तो 3 या 5 से डिवाइड होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है? अब सुनो, टोटल कितनी गेंदें हैं? 20 गेंदें। निकाली कितनी जानी है? 1 ही निकाली जानी है, तो 20 से 1 निकाली जाने के लिए टोटल प्रोबेबिलिटी 20C1 हो जाएगी। ठीक है सर, अब 3 या 5 से डिवाइड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 से डिवाइड या 5 से डिवाइड, तो 3 6 9, फिर 5 भी आ जाएगा, ऐसे लिख लो, 3 से डिवाइड होने वाले 3 6 9 12 15
और 18, ये 3 से डिवाइड होने वाली है। 5 से 5 होगी, 10 होगी, 15 होगी और 20 होगी। 15 यहां भी आ गया, 15 यहां भी आ गया, तो इसको हटा दो। मतलब ये कुल संख्याएं होंगी जो कि 3 या 5 दोनों से डिवाइड होंगी। तो कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी 9 में से एक और चुन लिया जाएगा। तो ऊपर 9 आ जाएगा, नीचे 20 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 9/20। ये लिखा होगा ऑप्शन नंबर बी में, यहाँ 20 कर लो, ठीक है। तो सही जवाब होगा 9/20। ये NTPC शिफ्ट 1 में पूछा गया था 2021 में 6 अप्रैल को, ठीक है। चलो बढ़िया, 1/2 आ रहा है किसी का, किसका आ रहा था, चंदन कुमार जी का, नहीं 9/20। अब चलो इनसे सबको पढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है, जब तुमको इंटरेस्ट नहीं है, तुम शेयर ही नहीं कर पा रहे हो, तो ये सब आगे का नहीं पढ़ाएंगे, ठीक। चलो यहीं तक रखते हैं, ठीक। चलो बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर। कल क्लास पढ़नी है, संडे है, कल क्लास पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते हो, ऑफलाइन कमेंट के माध्यम से जरूर ये बता देना कि आगे आपको पढ़ना है, मतलब चैप्टर वाइज में संडे को आप क्लास लेने के इच्छुक हो या नहीं हो, तो ये मुझे बता देना कमेंट के माध्यम से। मेरे टेलीग्राम पे बता सकते हो, पाठशाला रेलवे के टेलीग्राम पे बता सकते हो, ठीक है, दोनों में से किसी में भी बता सकते हो, ठीक। और मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी बताया जा सकता है कि तुम मुझे बता सकते हो कि हाँ सर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये है, इस पर भी बता सकते हो, या पाठशाला रेलवे के टेलीग्राम चैनल पर, जिसको मैं लिख देता हूँ पाठशाला-railway-exam, इस पर भी आप जुड़ जाइए और इस पर आप कमेंट के माध्यम से ये बताइए कि आपको कल क्लास चाहिए या नहीं चाहिए।